हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज सीमांचल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज है 12 अगस्त 2019। तो आज की सीमांचल से पूरे बिहार की टॉप 20 न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। बकरे ईद आखिरी सोमवारी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट में रहने का निर्देश दिया है। इन त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अधिक सिक्योरिटी फोर्स की मांग की थी, जिस पर केंद्र ने 2 अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्स बिहार को मुहैया कराया है। राजनीति महकमे पर चल रही क्यासबाजी पर जदयू नेता आरसीपी सिंह ने विरोधियों को दो टूक कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है, जेडीयू एनडीए के साथ है और दोनों साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हम साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। बिहार का विकास ही हमारा एजेंडा है और हम इसी एजेंडे पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बकरे ईद के मौके पर बिहार की जनता को मुबारकबाद दी है। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि अनुपम त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला ईद उल अजहा का पर्व हमारे जीवन में सहिष्णुता, सद्भावना, प्रेम और बंधुत्व की भावना को संचारित करता है। राज्यपाल ने दुआ की है कि इस त्योहार में सभी लोग समाज में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए संकल्प ले, ताकि बिहार विकास के पथ पर निरंतर तेजी से आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना भी मजबूत हो। जहां एक तरफ आज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम समुदाय ने बकरीद का त्यौहार मना रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ मुस्लिम परिवारों ने आज के बदले कल बकरीद का पर्व मनाएंगे। और आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता मिसाल पेश की है। यहां के 3 दर्जन मुस्लिम परिवारों ने पूरे देश को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है। इन मुस्लिम परिवारों ने बकरीद के पहले दिन कुर्बानी न देने का फैसला किया है। खास बात यह है कि सावन के आखिरी सोमवार होने के नाते इन मुस्लिम परिवारों ने आज के बदले कल कुर्बानी देने का फैसला किया है। इनके इस फैसले का पूरे प्रदेश में यानी पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। लोग इन परिवारों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी मुस्लिम परिवार मुजफ्फरपुर जिला के बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास के रहने वाले हैं। यदि ऐसे में पहले दिन कुर्बानी नहीं की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिहाजा पहले दिन के बदले दूसरे दिन मंगलवार को यहाँ के मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी देंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपराधियों को फिर से चेतावनी दे डाली है। सोशल मीडिया यानी फेसबुक के जरिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों को काम करने की नसीहत तो दी और साथ ही अपराधियों को चेतावनी भी दे डाली है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार के हर एक थानों में गुंडा रजिस्टर खुल गया है, अपराधी ये जान ले कि एक बार गुंडा रजिस्टर में नाम चढ़ गया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी BSEB में साल 2020 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट एग्जाम का पूरा शेड्यूल PDF के रूप में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर मौजूद है। स्टूडेंट यहां से PDF फाइल डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके मुताबिक इंटरमीडिएट का परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी से 13 फरवरी तक किया जाएगा, वहीं मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी तक किया जाएगा। बिहार के 2 विद्यार्थियों ने रिकॉर्ड तोड़ 43.30 लाख का सालाना सैलरी पैकेज हासिल किया है। दोनों विद्यार्थी कनिष्का और अमन कुमार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। उन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने यह पैकेज दिया है। संस्थान का यह दावा है कि अब तक का यह पैकेज NIT में सबसे बड़ा पैकेज माना जाता है। ekalyan.bih.nic.in ये बिहार सरकार की तरफ से बनाई गई वेबसाइट है। ये साइट सरकार की तरफ से दी गई स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप और पब्लिक स्कीम की जानकारी देती है। विभाग की तरफ से इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन फेलोशिप कन्या उत्थान योजना भी ऑफर की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में अक्टूबर तक आई बैंक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रति आई बैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपया प्रदान किया जा चुका है। साथ ही आई बैंक में प्रशिक्षित मानव बल मोटिवेटर की भी नियुक्ति की जाएगी। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रेशम में मुलाकात करने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिला। हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मौजूदा राजनीति और चुनाव पर भी बात की गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की सलाह दी। बिहार के कैमूर पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने वाले फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल इलाके के दुर्गावती में ही रेलवे के ग्रुप डी के मेडिकल जांच की परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ब्रोकर समेत अभ्यर्थी भी मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पूर्णिया जिला में 3 दिवसीय बिहार राज्य अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप शनिवार से प्रारंभ हो गई है। इसका उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार झा ने की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शतरंज का खेल बच्चों में विकास और धैर्य रखना सिखाता है। कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के लगुआ दास ग्राम गांव में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग जाने से 3 परिवारों का घर जलकर राख हो गए हैं। आग की लपेटें इतनी भयानक रही कि देखते ही देखते पीड़ितों के घर के सारे अनाज, वस्त्र और बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए हैं। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र के फुलकाहा बाजार सहित दर्जनों गांवों में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने बथनाहा बीरपुर मार्ग को लक्ष्मीपुर गांव के पास जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करने लगा। बिजली आपूर्ति ठप रहने के कारण बहुत सारे बाजार भी बंद हैं। जम्मू कश्मीर से कोसी क्षेत्र के मजदूर घर वापस लौटने को मजबूर हैं। रोजगार से हटाए जाने के कारण मजदूरों को अपने घर लौटने को मजबूर हैं। राहत की बात यह है कि जम्मू कश्मीर से वापस अपने घर लौटने वाले मजदूरों को सरकार के निर्देश पर ट्रेन की सेवा मुफ्त करा दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित 14वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट का वार्षिक वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड 2019 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है। शनिवार को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह सम्मान हासिल किया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव ने स्थानीय लोगों पर शराब का सेवन या बिक्री करने पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। लोगों को नशे से दूर रखने के लिए हालांकि बिहार सरकार ने भी राज्य भर में शराब का सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, मगर लोग अक्सर गैर कानूनी तरीके अपनाकर शराब का सेवन करने और इसकी बिक्री में शामिल पाए जाते हैं। इससे बचने के लिए ही समस्तीपुर जिला स्थित वारिस नगर क्षेत्र के भादेघाट गाँव के लोगों ने एक सख्त नियम बनाया है। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे कैडमी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।